हेलो दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर प्रिंस शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल की बात में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाटर सीमेंट रेशियो पे, मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, इसके हेल्प से हम कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं, तो हम आपको अपनी वीडियो में ये बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने वाटर सीमेंट रेशियो का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो लिखा है कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब कि पानी का भार और सीमेंट के भार का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब कि वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट का जो हमारा रेशियो होता है उसको हम वाटर सीमेंट रेशियो कहते हैं। तो दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो का यूज क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो वास्तव में है क्या चीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई किसी बीम, कॉलम, स्लैब या फुटिंग की कास्टिंग के लिए जब हम लोग कॉन्क्रीट रेडी करते हैं तो उसमें हम लोग जो सीमेंट की क्वांटिटी लेते हैं तो उस सीमेंट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितना पानी की मात्रा हमको चाहिए। मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो के हेल्प से आप किसी भी कंक्रीट को बनाने के लिए कितना पानी लगेगा या फिर किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बनाने के लिए आप कितना सीमेंट यूज कर रहे हैं तो उस सीमेंट के हिसाब से आपको कितना पानी डालना है उस कंक्रीट को बनाने के लिए, तो आप वाटर सीमेंट रेशियो के हेल्प से ये बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि मान लीजिए कि आप M30 ग्रेड ऑफ सीमेंट के, जैसे मान लिया कि आप M30 ग्रेड की कॉन्क्रीट आप बना रहे हैं किसी फुटिंग की कास्टिंग के लिए, तो जैसे मान लिया कि आप 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो लेके चल रहे हैं, तो आप 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो लेके चल रहे हैं, तो मान लिया कि आपको उस टोटल कंक्रीट को बनाने के लिए 20 बैग सीमेंट लगते हैं, तो टोटल कितने बैग लगते हैं सीमेंट आपको, टोटल बैग्स ऑफ सीमेंट आपके लगते हैं 20 बैग्स। और आप जानते हैं कि सीमेंट के एक बोरी का वजन होता है 50 किलो, तो आप जब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो यह आपका आएगा 1000 केजी। मतलब कि किसी फुटिंग को बनाने के लिए आप M33 ग्रेड की आप कंक्रीट बना रहे हैं और जितना कंक्रीट की क्वांटिटी है उसको बनाने के लिए आप 1000 केजी सीमेंट आप लगा रहे हैं, तो 1000 केजी सीमेंट लगा रहे हैं तो उस हिसाब से आपको कितना पानी लगेगा यह आप वाटर सीमेंट रेशियो के हेल्प से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सीमेंट, तो इसी फार्मूले से आप पानी की मात्रा को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 केजी आप सीमेंट लगा रहे हैं तो इसलिए आपको निकालना क्या है, वेट ऑफ वाटर। तो मान लीजिए कि वेट ऑफ वाटर जो है वो अभी एक्स है, तो सपोज डैट वेट ऑफ वाटर है आपका एक्स, तो अकॉर्डिंग टू आपका फॉर्मूला, तो आ जाते हैं सीधे फॉर्मूले से, तो वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू एक्स, हमने वेट ऑफ वाटर को एक्स माना है और आप टोटल सीमेंट कितना यूज कर रहे हैं, 1000 केजी यूज कर रहे हैं, और वाटर सीमेंट रेशियो आप कितना लेके चल रहे हैं, 0.4 लेके चल रहे हैं, तो 0.4 इक्वल टू एक्स अपॉन 1000। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई विथ 1000, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 400। मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 400। तो हमने x किसको माना था, वेट ऑफ वाटर, मतलब पानी की जो मात्रा है उसको हमने x माना था, तो यहाँ पे x बराबर आ रहा है 400। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी फुटिंग की कास्टिंग के लिए M30 ग्रेड का कॉन्क्रीट बना रहे हैं और आप अगर उसमें 1000 केजी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको जो पानी की मात्रा लगेगी वो आपको 400 लीटर पानी आपको उस कंक्रीट को बनाने के लिए लगेगा। तो ये आपका जो है ये पूरी तरह से
वाटर सीमेंट रेशियो के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आप 1000 केजी सीमेंट यूज कर रहे हैं किसी कंक्रीट को बनाने में, तो उस कंक्रीट को बनाने में आपको 400 लीटर पानी आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ के बीच में बहुत बड़ा रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि अगर आप 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो लेके चल रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ आएगी वो 100% आएगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक टेबल बना के वाटर सीमेंट रेशियो और उसके स्ट्रेंथ के रिलेशन को बड़े ही आसानी से यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो लेके चल रहे हैं, तो आपकी जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ आएगी, मतलब स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ आएगी, वो 100% आएगी। अगर आप 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो लेके चल रहे हैं, तो आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो 90% होगी। और अगर आप 0.6 वाटर सीमेंट रेशियो लेके चल रहे हैं, तो आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो 80% होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, उसका यूज क्या है, मतलब उसके माध्यम से हम लोग कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपको सीमेंट का वेट पता है, तो आप उसके माध्यम से ये बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि किसी कंक्रीट को बनाने में कितने लीटर पानी आपको चाहिए, और वाटर सीमेंट रेशियो के और स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको इन सब चीजों को बड़ी ही आसानी से अपनी वीडियो में डिफाइन कर देता हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे यूजफुल वीडियोस बनाएं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।